जी मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन के तमाम हजरात को ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि पहले एक वेव चली, फिर दूसरी, और इस वक्त जो थर्ड वेव जो है चल रही है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जो ये इस वक्त का जो कोरोना वायरस है, जिसको हम ये ओमिक्रॉन कहते हैं, ये बहुत तेज़ी से जो है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, और ये बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम जो है इन्वॉल्व कर रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको मेंटेन रखिए। आपने मास्क लगा के रखनी है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और डिस्टेंस जो है मेंटेन रखना है, और भीड़ भाड़ की जो गाँव जगहों में मत जाएं, और कोशिश करिए कि हर घड़ी जो है मास्क का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको भी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, जिसको जुकाम वगैरह जो लग रहा है या गले में दर्द होती है, तो फ़ौरन से वो अपने जो है टेस्ट करा लें और फ़ौरन से आइसोलेट हो जाएं। क्योंकि इस वक्त यही लगता है कि जिसको भी ये इन्फेक्शन, ये जो फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि आइसोलेट रहें और फजूल में वो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन दो डोजेज लग गई हैं, उनको फ़ौरन से जो प्रिकॉशन डोज जो है वो ले लें। और उसके अलावा जितने भी बच्चे जो हैं, इस वक्त जो हम 15 से 17 साल की एज में हम वैक्सीन करने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल्स में इनरोल्ड हैं या घरों में हैं, तो मेहरबानी करके मैं उनके वालदीन को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़ौरन से उनको नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाके उनकी वैक्सीनेशन लगा दीजिए। अदरवाइज़ इस वक्त का जो ये वेव चल रही है, ज़्यादा ये बच्चों को ही इन्वॉल्व कर रहा है। इसलिए कोशिश की जाए कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, इन सबको वैक्सीनेट किया जाए।